फ्रेंड्स, वेलकम टू वसूस पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स या ब्रेकफास्ट बोलो, कुछ भी बोलो, इसको कश्मीरी में बोलते हैं सुरसोत। और ये चावल के आटे की बनती है और आप इसको मराठी में घावने भी बोल सकते हैं। मोस्टली आपको कोकन साइड में ये मिलता है, और या फिर आप इसको चावल के पैनकेक्स, चावल का डोसा, ओनली चावल के आटे डोसा, चावल का आटा आप घर पे बनाएं, बाजार से लाएं, या कैसे भी उसको प्रिपेयर करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर हम लोग पहले इसका कैसे प्रिपेयर करेंगे। इट्स वेरी इजी, आ जाओ। इंग्रेडिएंट्स जो है हम लोग उसमें यूज करेंगे, ये मैंने लिया है चावल का आटा एक कटोरी, जीरा, नमक और पानी। ये हम मिक्स करेंगे, एक कटोरी चावल का आटा, ज़्यादा नमक नहीं, थोड़ा सा नमक, बिल्कुल एकदम हाफ टी स्पून टाइप्स, थोड़ा सा जीरा, बिकॉज ज़्यादा जीरा डालेंगे तो चिमटी भर जीरा, ज़्यादा जीरा डालेंगे तो मुंह में सिर्फ जीरा जीरा आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पानी मिक्स कर देते हैं, धीरे धीरे पानी मिक्स करना है, बिकॉज बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। डोसा बैटर जैसे हमारा बहुत ही थिक होता है, ये हमारा थोड़ा सा थिन रहेगा। बैटर जो है वो डोसा बैटर जो अपना रहता है ना, उससे थोड़ा सा थिन रहना चाहिए। So, let us prepare सुरसोट। इसको कश्मीरी में सुरसोट बोलते हैं। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैं कश्मीरी हूँ। So, ये थोड़ा सा अच्छे से लंप्स ना रहे इसमें, तो आप जरा ये देख लें। और ये बैटर हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं इसका जो थिकनेस है वो कैसा होना चाहिए। यू आप उंगली मैंने धोई थी इतना लगना चाहिए आपकी उंगली में, ठीक है। अब हम जो गैस है वो साथ के साथ ही मैंने ऑन कर दी थी, बिकॉज तवा एकदम गर्म रहना चाहिए। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल में बनाएं इसको, राइस ब्रान ऑयल में बनाएं, सफोला, सनफ्लावर, विच एवर ऑयल। सो मैं बना रही हूँ, मैं यूज करती हूँ यूजुअली राइस ब्रान ऑयल, सो आई एम मेकिंग इट इन राइस ब्रान ऑयल, ठीक है। तवा हमारा गर्म हो गया है, आप नॉन स्टिक तवा लें, बिकॉज या तो वो तवा जिसने तेल काफी पिया हो, या डोसा तवा ले सकते हैं। सब लोग पहले बचपन में बूढ़े लोग बोलते थे ना, जिस तवे ने ज्यादा तेल पिया उस पे अभी डोसे भी बन सकते हैं। सो वही हाल है। सो ये देखिए, अभी मैं इस पे तवे पे थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। यू कैन सी हाउ मच इज द ऑयल, उसको पूरा फैला दिया मैंने। अब ऐसी एक कटोरी ले जिसमें नोक हो, मतलब जब आप बैटर को डाले तवे के ऊपर तो वो ऐसे पड़े, तवा गरम रहना चाहिए, तेल उसके ऊपर गरम हो गया, थोड़ा सिमर कर ले इसको, बिकॉज नहीं तो बहुत ज्यादा वो आपके ऊपर आ जाएगा। अब जब आप सुरसोट को डाल रहे हैं, इसको सुरसोट इसलिए भी बोलते हैं, डालते डालते इसमें जो है ना सिर की आवाज होती है, ऐसा ही अपने आप फैल जाता है। सेंटर से डालना शुरू करें, तवा जब प्लेन रहता है अपना तो ये पूरा फैल जाएगा उसको, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम लोग डाल देंगे, गैस मैंने फुल पे कर दिया है, बिकॉज चावल के आटे को पकने में टाइम लगता है, आप एकदम इसको ना उठाएं क्योंकि ये टूट जाए, ठीक है। बेक करें, इसको फुल पे ही गैस को रखें, बाय द टाइम जब तक ये पक रहा है थोड़ा टाइम लगता है इसको अपने आप, या आप देखिए साइड से उठना शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स ये पक रही है। फुल पे रखें, कुछ नहीं होगा, रोटी कुछ जलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, एंड मुझे ये भी बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, और कौन सी रेसिपी आपको बना कर दिखाऊँ, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। ये देखिए, अब रोटी का क्या, अब हमने इसको यहाँ से इससे उठा के, आपके पास स्पैटुला है कुछ भी फ्लैट सरफेस वाला है, आप इसको साइड से उठा के देखिए, ये देखिए ये उठ गई है। अब हम इसमें ये फ्लैट वुडन मैंने लिया हुआ है, पूरा डाल के फिर पलटी मारते, हमारी रोटी नहीं जली।
मैंने बोला ना चावल के आटे को पकने को टाइम लगता है, हमारी रोटी नहीं चली। You will see and I will see. We will have this with tea. आप इसको आलू की सब्जी के साथ, सॉस के साथ, डोसे की तरह इसमें बीच में फिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं पसंद करती हूँ इसको चाय के साथ, और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है ना तो उसके साथ क्रूम क्रूम करके। आ जाओ देखते हैं रोटी हमारी चिलचोट। ये देखो अब मैं इसको अल्टी पल्टी करूंगी, पूरी क्रिस्पी हो गई है एकदम चकाचक टकटक। अब मैंने थोड़ा सिम कर लिया गैस, तो धीरे धीरे ये पक गई। जल्दबाजी नहीं करनी है इस रोटी में, जल्दबाजी करेगा तो फिर वो रोटी टूट जाएगी, पलटी नहीं मारेगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम करना। और फिर अब हम इसको रोटी को, ये देखिए हमने फोल्ड कर दिया, और अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। गरम, ये बन गई हमारी चिरचोट, रेडी है। अब हम इसको चाय के साथ खाएंगे। मैं चाय के साथ खाऊंगी, आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे बताइए एक आपको पसंद आई ये रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज हिट द बेल आइकन एंड लाइक कमेंट। कमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, उससे पता चलता है कि मैं सही जा रही हूँ कि गलत जा रही हूँ, और आपको कैसा लग रहा है। मेन इज यू। देन बाय। मैं